नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी दिल्ली करोलबाग लोकेशन में अपना कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जो कि आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में रहने वाला है और आपको फर्स्ट डे से ही आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक तनेजा और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए डेली नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, वो आपका कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। दिल्ली करोल बाग लोकेशन में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, KW ब्लू पर्ल इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है। तो प्रोजेक्ट की जानकारी से पहले मैं आपको कुछ एक बार लोकेशन समझाना चाहूँगा कि कहाँ पे ये लोकेटेड है प्रोजेक्ट। देशबंधु गुप्ता रोड पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है और अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इस लोकेशन से लगता है। और अगर KW डेवलपर की बात करूँ तो KW डेवलपर ऑलरेडी रियल एस्टेट मार्केट में 1999 से हैं। इन्होंने काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखे हैं ऑलरेडी दिल्ली में, राजनगर एक्सटेंशन में एंड गाजियाबाद में। और दिल्ली 6 के नाम से राजनगर एक्सटेंशन में इनका काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इन्होंने अच्छा वो डिलीवर कर रखा है। तो अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में आपको लॉकेबल स्पेस मिलने वाला है, जो कि 9 साल तक आपका फिक्स रेंटल आपको एक मिलने वाला है। अगर आप मैं बात करूँ रेंटल की, तो 12% का आपको पर एनम रेंटल मिलने वाला है। KW ग्लोबल इस प्रोजेक्ट का नाम है और जो इसका बिल्डिंग एलिवेशन होने वाला है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स का ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ऑलरेडी इसमें ब्रांड्स आ चुके हैं, ऑलरेडी लीज आउट हो चुका है ये प्रोजेक्ट, काफ़ी लिस्टेड ब्रांड्स इसमें आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इसमें आपको बरिस्ता मिल जाता है, हल्दीराम्स है एंड कैलिफोर्निया ब्रांड है। एंड अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो मान्यवर एंड नाइकी के आउटलेट्स आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले हैं। सेकेंड फ्लोर पे आपका बॉम्बे सिलेक्शन एंड मीना बाजार जैसे आपके स्टोर्स रहेंगे। एंड जो आपका थर्ड फ्लोर है उस पे आपका एक स्मैश सेंटर एंड लुक सैलून वहाँ पे ऑलरेडी है। और अबव थर्ड फ्लोर जो टेरेस एरिया है, इन अ फ्यूचर डेवलपमेंट वहाँ पे ओपन सिट आउट एरिया, ओपन रेस्टोरेंट लाने का कॉन्सेप्ट है, बट अभी तक वो इन अ फ्यूचर प्लान में है। तो अभी जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है वो ग्राउंड से लेके 3 के स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये होगी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा अगर मैं आपको साइजेस की बात करूँ, जो इसमें मिनिमम साइज है 20 स्क्वायर फिट का इसमें मिनिमम साइज है, जी हाँ। और जो आपका मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, 32 लाख से इसमें आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रेंटल इसमें कैसे कैसे आएगा। फॉर 3 ईयर्स आपको आपके 32 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 12% का रिटर्न हर महीने आएगा। और तो अप्रोक्सी आपका, अगर मैं हर महीने का कैलकुलेशन लगाऊँ, तो 32,000 रुपीज आपका रेंटल हर महीने आपको आता है 3 साल तक। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 ईयर्स हैं उसमें आपको 8% का आपका रेंटल आने वाला है। और 9 साल तक आप इसमें कम से कम भी आपको 24 से लेके 25 लाख रुपए तक का रेंटल आ जाता है। और जो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, जो आपने कॉमर्शियल अपना ले रखा है, उसका ऑलरेडी अप्रिसिएशन उसका भी होता रहता है, तो वो आपके पास स्पेस रहता ही है। तो इसमें पेमेंट प्लान की बात करूँ तो डाउन पेमेंट प्लान रहने वाला है, क्योंकि ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। आप अपना आपके पूरा पेमेंट करके नेक्स्ट डे रजिस्ट्री करवा के अपना रेंटल स्टार्ट कर सकते हैं मंथ का। तो अगर आप भी अपना कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं छोटे टिकट साइज में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ऐसी और इन्वेस्टमेंट की वीडियोस लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।